हेलो एवरीवन वेलकम बैक जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सेट टू तो उसमें हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी हम लोग आज क्या करने वाले हैं हैं क्वेश्चन नंबर और 16 करने वाले है. ठीक है आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा प्रॉब्लम सेट टू के ऊपर और जो मैंने प्रॉब्लम सेट टू कराया है वो अकॉर्डिंग टू योर रिड्यूस सिलेबस कराया है यानी कि वही क्वेश्चंस कराए हैं जो हमारे सिलेबस में है ठीक है जैसे कि आप लोग को पता है कि फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू बैच आपका भी क्या हुआ है पोर्सन रिड्यूज हुआ है बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है तो उसके हिसाब से ही मैंने कराया है तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा टू तो यहाँ पे देखो ये स्टार मार्किंग है है ठीक आराम से करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन तो अपना पूरा फोकस इस वीडियो पे लगाना ठीक है तो चलो फोर्टीन टू वन देखते हैं क्या दिया है इन एन लेंथ ऑफ द साइड इज थर्टीन सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज टेन सेंटीमीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्ट एक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड यानी कि यहाँ पे हमको क्या दिया है कि एक हमारे पास क्या है आइसोसिलिस ट्राएंगल है तो जैसे कि सबको पता होगा कि आइसोसिलिस ट्राइंगल क्या होता है ऐसा ट्राएंगल होता है जिसके दो साइड क्या होते हैं कॉन्ग्रेंस होते हैं ठीक है थीके? तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया एक फिगर बना दिया फिगर बना के नहीं दिया है हमको खुद को फिगर बनाना है तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है हमारा आईसी ट्राइंगल है और इसके कौन से दो कॉन्ग्रेन साइड है तो हमने क्या बोला कि जो साइड ए बी है और जो साइड ए सी है वो क्या है हमारे कांग्रेन साइड है ठीक है ये हमारे दोनों कांग्रेन साइड है और उनका जो लेंथ है वो हमको दिया है दैट इज थर्टीन सेंटीमीटर बरबर यहाँ पे देखो दिया है लेंथ ऑफ द कांग्रेन साइड इज वॉट थर्टीन सेंटीमीटर यानी कि ये है हमारा थर्टीन सेंटीमीटर और ये भी क्या है हमारा थर्टीन सेंटीमीटर ये हमको गिवन है आगे क्या दिया है एंड इट्स बेस इज टेन सेंटीमीटर यानी कि ये जो हमारा आईसी ट्राइंगल है इसका जो बेस है बेस क्या होगा हमारा बीसी तो ये हमको दिया है कितना टेन सेंटीमीटर ठीक है तो वही हमने लिख दिया ट्राइंगल ए बी सी इज एन आई सोडेस ट्राएंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड दैट इज थर्टीन सेंटीमीटर और बी सी है हमारे पास टेन सेंटीमीटर अब यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड यानी कि यहाँ पे हमको क्या फाइन करना है कि जो हमारा बेस है ये जो ट्राइंगल का जो बेस है उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है और जो हमारा सेंट्रॉइड है उसके बीच में हमको डिस्टेंस फाइन करना है ओके यानी कि क्या फाइन करना है जो हमारा बेस है उसके अपोजिट में जो हमारा वर्टेक्स है और जो हमारा सेंट्रॉइड है ये ट्राइंगल का ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमको फाइन करना है लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड क्या है है ना क्योंकि बहुत लोगों को शायद सेंट्रॉइड भी नहीं पता होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है वैसे तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इसी प्रॉब्लम सेट टू में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया है कि मीडियन क्या होते हैं बरोबर मीडियन के बारे में हमने डिस्कस किया है देखो यहाँ पे मीडियन के बारे में हमने डिस्कस किया था ये जो हमारा इलेवेंथ वन था वहां पे तो मीडियन जो होता है ना यहाँ पे देखो मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से समझाती हूँ कि मीडियन और सेंट्रॉइड का क्या कनेक्शन होता है ठीक है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि सेंट्रॉइड एक्चुअली में क्या होता है तभी जाके हम लोग ये समझ पाएंगे सेंट्रॉइड क्या, तो क्या होता है जैसे कि हमको पता है कि एक जो ट्राएंगल होता है उसमें क्या होते हैं तीन मीडियंस होते हैं ठीक है ठीके? अब ये मीडियंस क्या होते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तो मीडियंस क्या होते हैं जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास एक ट्राएंगल है सपोज करो ए बी सी ओके और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट P है वो क्या है मिड पॉइंट है हमारे साइड BC का और ये जो हमारा पॉइंट Q है? है, है वो क्या है मिड पॉइंट है हमारे साइड AC का और यहाँ पे ये जो पॉइंट R है वो क्या है मिड पॉइंट है हमारे साइड AB का ठीक है अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा वर्टेक्स है और उसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है ठीक है यहाँ पे देखो ये है मिड पॉइंट बरोबर तो ये वर्टेक्स और ये को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी वो क्या होगी हमारी मिडियन होगी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये जो है ये जो सेगमेंट एपी है वो क्या है हमारी मिडियन है ओके वैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारा वर्टेक्स है ये जो हमारा वर्टेक्स है और उसके अपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है क्या है उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट क्यू बरोबर तो यानी कि ये वर्टेक्स और ये जो हमारा है इसको ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी वो भी क्या होगी हमारी मीडियन होगी यानी कि हम बोल सकते हैं ये कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेगमेंट बी क्यू है वो भी क्या है हमारी मीडियन है वैसे ही आप लोग देखोगे तो ये जो सेगमेंट सी आर है वो भी क्या है हमारी मीडियन है ठीक है मीडियन समझा तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस होते हैं तीन मीडियंस होते हैं ओके अब यहाँ पे देखो व्हाट इज सेंट्रोइड तो सेंट्रोइड क्या होता है सेंट्रोइड क्या होता है कि जिस भी पॉइंट पे हमारे तीनों मीडियंस क्या करते हैं एक दूसरे को मिलते हैं तो वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड यस आपने सही सुना यहाँ पे देखो जिस भी पॉइंट पे ध्यान से सुनना जिस भी पॉइंट में हमारे तीनों मीडियंस क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं तो ये है हमारा सेंट्रॉइड ये है हमारा सेंट्रॉइड अब यहाँ पे देखो सेंट्रॉइड की क्या क्या स्पेशलिटी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूं सबसे पहले तो सेंट्रॉइड को हम लोग डिनोट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर जी से ठीक है किससे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर जी से तो ये हो गया हमारा पॉइंट जी अब यहाँ पे देखो सेंट्रॉइड के और दो तीन आपको स्पेशलिटी बताती हूँ नंबर वन क्या होता है कि जो सेंट्रॉयड है ना ये जो सेंट्रॉइड है ना वो क्या करता है हमारे ये तीनों मीडियन को क्या करता है टू इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है किसमें डिवाइड करता है टू इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है अब इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंट्रोइड है ना वो क्या करेगा ये जो हमारी मीडियन है ये जो हमारी पूरी मीडियन है उसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है टू इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है टू इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है अब इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि ये जो वर्टेक्स से लगा के ये जो सेंट्रोइड तक का जो पार्ट है वो क्या है सपोज करो टू है तो ये क्या होगा हमारा वन होगा ये वाला जो पार्ट होगा सेंट्रोइड से लगा के ये नीचे तक का जो पार्ट होगा वो क्या होगा वन होगा यानी कि यहाँ पे देखो ये जो भी होगा ना ये जितना भी होगा उसका ये वाला क्या होगा ये वाला जो पार्ट है वो क्या होगा डबल होगा ओके okay, जैसे कि ये वन है तो ये हो गया टू वैसे अगर मैं बोलू कि ये थ्री है ये अगर सपोज करूं कि ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है थ्री है ओके okay, इसका लेंथ थ्री है तो ये हो जाएगा कितना सिक्स वैसे ही सपोज करो कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट है वो क्या है फोर है तो फोर का डबल क्या होता है एट तो ये हो जाएगा हमारा एट ओके यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सेंट्रॉइड है वो क्या करता है ये जो पूरा हमारा मीडियन है उसको टू इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है ठीक तो है तो ये वाला पार्ट अगर टू है तो ये वाला पार्ट क्या होगा वन होगा वैसे ही अगर सपोज करो कि ये वाला जो पार्ट है वो क्या है सिक्स है तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा थ्री होगा तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ओके okay. अब देखो और थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ ये सेंट्रॉइड के बारे में अगर सपोज करो कि हमारे पास क्या है कि ये जो मीडियन है ना उसका पूरा लेंथ है ठीक है मीडियन का सपोज करो कि हमारे पास लेंथ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वर्टेक्स है और वर्टेक्स से लगा के जो सेंट्रॉइड तक का जो पार्ट होता है ना वो क्या होता है हमारा टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन होता है क्या होता है टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन अब इसका मतलब क्या है अभी बहुत लोगों को ये नहीं समझा होगा एंड दैट्स ओके लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये बहुत काम आने वाला है हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इसको समझना ठीक है जैसे कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास ये जो मीडियन है ना उसका लेंथ है ओके okay? उसका लेंथ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एजी होगा ओके okay? ये जो एजी वाला जो हमारा सेगमेंट होगा हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एजी होगा ना दैट इज इक्वल टू यानी कि ये जो वर्टेक्स है वर्टेक्स से लगा के ये जो सेंट्रोइड तक का जो पार्ट होगा ना दैट इज इक्वल टू व्हाट टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन ओके टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन यानी कि ये वाला जो हमारा सेगमेंट होता है वो क्या होता है अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन होता है और जो नीचे वाला होता है ना नीचे वाला जो पार्ट होगा यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो जीपी होगा जीपी जो होगा दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन होगा ये क्या होता है टाइम्स द मीडियन ठीक है समझ में आया तो यहाँ पे देखो हमको ये आ, इतने सारे स्पेशलिटीज मिलते हैं सेंट्रॉइड के ओके नंबर वन क्या हमने देखा कि ये जो हमारा सेंट्रॉइड है ये हमारा जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है ये पूरे मीडियन को टू इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है ठीक है इतना हमको समझ में आया उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे सपोज करो कि अगर सपोज करो कि हमारे पास पूरे मीडियन का लेंथ है ठीक है मीडियन का अगर हमारे पास लेंथ है तो हम क्या कर सकते हैं ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट दोनों निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये वाला जो पार्ट होगा यानी कि ये वर्टेक्स से लगा के ये जो सेंट्रोइड तक का यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट होगा जो बड़ा होता है दैट इज इक्वल टू वू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन और जो नीचे वाला होता है दैट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन ठीक है अब यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है ठीक है मतलब कि ये दोनों एक ही है तो ये वाला इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना अब यहाँ पे देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे देखो हमको क्या फाइन करना है हमको ये फाइन करना है कि जो हमारा बेस है यहाँ पे देखो ये जो हमारा बेस है इसके अपोजिट में जो हमारा वर्टेक्स है ओके okay? ये जो हमारा बेस है इसके अपोजिट में जो हमारा वर्टेक्स है और जो हमारा सेंट्रॉइड होगा सेंट्रॉइड कहीं सपोज करो कि यहाँ पे होगा ठीक है ये होगा हमारा सेंट्रॉइड एक मिनट यहां पे नहीं यहां पे ले लेते हैं हाँ ये होगा हमारा सेंट्रोइड तो सेंट्रोइड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बताओ यस वेरी गुड कैपिटल लेटर जी से तो यहाँ पे देखो ये हमारा बेस है और बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वो है ए तो ये जो हमारा वर्टेक्स है और ये जो सेंट्रोइड है ना इनके बीच में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है यानी कि हम बोल सकते हैं कि हमको एजी फाइंड करना है क्या फाइंड करना है ए जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क यानी कि ये जो सेगमेंट ए जी है ना वो हमको फाइन करना है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या फाइन करना है फिर से एक बार पढ़ लो क्या दिया है फाइन द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रोइड यानी कि जो हमारा बेस है उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है एंड वो है वर्टेक्स ए और ये जो वर्टेक्स है और ये जो सेंट्रोइड है इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमको फाइंड करना है ठीक है अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला हमने ये बोला कि ड्रॉ सेगमेंट ए एम यहाँ पे देखो ये हमने ड्रॉ किया ठीक है ये कंस्ट्रक्शन वाला हमारा पार्ट होगा हमने बोला कि ड्रॉ सेगमेंट सेगमेंट ए एम एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू वर्ट डी सी ठीक है ये हमारा कंस्ट्रक्शन है लेकिन यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना यही क्या होने वाली है हमारी मीडियन होने वाली है क्या होने वाली है आगे जाके देखो मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगी या ये हम प्रूव करेंगे कि ये जो हमारी परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना एक्चुअली में ये हमारी मीडियन है यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो सेगमेंट ए एम है ना ये आगे जाके हम लोग इसको प्रूव करने वाले है कि यही हमारी क्या है मीडियन है यानी कि इस ट्राएंगल का ये आ, मतलब कि इस ट्राइंगल की ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है वही हमारी आगे जाके क्या होती है मिडियन होती है अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये मिडियन है तो मैं आपको बताऊंगी टेंशन मत लेना यहाँ पे ये जो पॉइंट एम है ना एक्चुअली में ये क्या निकलने वाला है इस सेगमेंट का मिड पॉइंट निकलने वाला है तो ये मिड पॉइंट अगर है तो इसका मतलब क्या इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारी सेगमेंट होगी वो क्या होगी हमारी मिडियन होगी ये आगे जाके हम लोग प्रूव करेंगे ठीक है टेंशन मत लेना ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ये आगे जाके प्रूव होने वाला है कि ये जो सेगमेंट है ना वो क्या है हमारी मीडियन है अब यहाँ पे देखो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना इसको हम लोग अपोलिन अपोलोनियस आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं यानी कि अपोलोनियस थ्योरम है एक हमारा इसी चैप्टर का लेकिन वो हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है ओके okay. uh, नहीं तो ये इजी हो जाता है ये क्वेश्चन लेकिन वो अभी सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको नहीं करके दिखा सकती तो इसको हम लोग को दूसरे वे में करना पड़ेगा जहां पे वो वाला थ्योरम यूज ना हो ठीक है तो यहां पे देखो हमने क्या बोला फिलहाल के लिए कि हमने एक सेगमेंट ड्रॉ की है ए एम एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू बी ओके okay? आगे जाके हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि ये जो सेगमेंट ए एम है ना एक्चुअली में ये हमारी मीडियन है अगर ये मिडियन है तो इसका मतलब कि सेंट्रोइड क्या होगा यहाँ पर कहीं होगा ना यानी कि यहाँ पे देखो सपोज ये यहाँ पे हमारी मीडियन है तो यहाँ पे देखो सेंट्रोइड तो इसी के ऊपर कहीं पे होगा ना तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही लिख दिया है जी टेंशन मतलब इसको कैसे हम लोग मीडियन प्रूव करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा क्या क्या स्टेप होने वाला है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो आपको ये वाला यहाँ पे एक ट्राएंगल दिख रहा होगा और यहाँ पे भी एक ट्राएंगल दिख रहा होगा ये दोनों ट्राएंगल को हम लोग क्या करने वाले हैं कॉन्ग्रेंट दिखाने वाले हैं ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सोल्यूशन तो यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं कि इन uh, ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राएंगल ए एम बी एंड कौन सा ट्राइंगल लेगी एंड ट्राइंगल ए एम सी अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि ये जो ट्राइंगल है इसका जो एंगल ए एम बी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए एम सी ओके ये देखो ये वाला जो एंगल है वो क्या है दोनों ट्राइंगल का नाइंटी डिग्री है ईच 90 डिग्री या हम लोग लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ओके बाय कंस्ट्रक्शन से ही तो ये नाइन्टी डिग्री है तो यानी कि बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो ट्राइंगल है इसकी ये जो साइड ए बी है और इस ट्राइंगल की जो साइड ए सी है ये दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट है बिकॉज बोथ आर थर्टीन सेंटीमीटर बरबर तो हम लोग क्या बोलेगे कि जो सेगमेंट ए बी है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट वॉट बताओ येस सेगमेंट ए सी ओके okay, ये हम लोग बोल देंगे गीवन है ये तो हमारे पास क्या है गीवन में है रीजन के लिए हम लोग लिख देंगे दैट इज गीवन और हम लोग क्या बोलेंगे कि इस ट्राइंगल में एक साइड है ए एम और इस ट्राइंगल में भी क्या है ये है साइड ए एम यानी कि ये जो साइड ए एम है या सेगमेंट ए एम है वो क्या है कॉमन uh, साइड है ये दोनों ट्राइंगल की बरबर -बर तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइड सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रेन टू सेगमेंट ए एम ठीक है सेगमेंट बोलो या साइड बोलो एक ही बात है

साइड टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है अब हाइपोटेनस साइड टेस्ट से क्यों कांग्रेट हो गए ट्राइंगल क्या है एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है ना वो क्या निकला कांग्रेन निकला है ना तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी दो ट्राइंगल्स क्या है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है और उनकी हाइपोटेनस क्या निकलती है कांग्रेन निकलती है जैसे कि यहां पे देखो इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस क्या है ये वाली साइड है ना दिस इज हाइपोटेनस और इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस क्या है ये वाली साइड तो इनकी हाइपोटेनस क्या निकली कांग्रेन निकली और क्या निकला इसका कांग्रेन एक कोई भी साइड जो है एनी अदर साइड जो है यानी कि कोई भी ये दोनों में से कोई भी साइड अगर कांग्रेन निकलती तो भी चलता तो ये वाली साइड क्या निकली ये दोनों ट्राइंगल की कांग्रेन निकली यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए कांग्रेन हो गए बाई हाइपोटेनस साइड टेस्ट हाइपोटेनस का कांग्रेट होना जरूरी है अगर हाइपोटेनस कांग्रेन नहीं होती तो हम लोग हाइपोटेनस साइड टेस्ट नहीं लगा सकते थे ठीक है समझ में आया तो यानी कि अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है कांग्रेंट है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अभी इसके जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होगे वो भी कांग्रेट हो जाएगी जैसे कि ये जो ट्राइंगल है इसकी जो ये सेगमेंट होगी और इस ट्राइंगल की ये जो सेगमेंट होगी ये दोनों सेगमेंट भी क्या हो जाएगी कांग्रेन हो जाएगी यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सेगमेंट ए एम है दैट विल बी कांग्रेंट टू सेगमेंट एम सी एंड रीजन के लिए हम लोग क्या बोलेगे करस्पोंडिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेन ट्राइंगल तो यहाँ पे हमको क्या मिला देखो यहाँ पे हमको क्या मिला कि ये जो बी एम है ठीक है यहाँ पे ये यह जो बी एम है और ये जो एम सी है वो हमको क्या मिला कॉन्ग्रेन मिला यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट एम है वो तो क्या है हमारा मिड पॉइंट है है ना तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इससे क्या कंक्लूड होता है डेर फोर हम लोग क्या बोल सकते हैं वी कैन से कि ये जो पॉइंट एम है वो क्या है हमारा मिड पॉइंट है ओके पॉइंट एम इज हम बोलेंगे पॉइंट एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बी सी अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब ये जो हमारी सेगमेंट ए एम है वो सिर्फ परपेंडिकुलर सेगमेंट नहीं है एक्चुअली में ये तो हमारी मीडियन भी हो गई यानी कि ये हमारी क्या है मीडियन भी है ओके okay? समझ में आया तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सेगमेंट देर फोर हम लोग बोल सकते हैं देर फोर सेगमेंट ए एम इज अ मिडियन सेगमेंट ए एम इज द मिडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ठीक है तो ये हमने दिखा दिया कि सेगमेंट ए एम क्या है हमारी मिडियन है तो यानी कि अगर ये मीडियन है तो इसका मतलब ये पॉइंट जी जो है वो क्या होगा हमारा सेंट्रॉइड होगा और वो ये मीडियन के ऊपर लाइ करेगा वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ओके तो हमको क्या करना है ये एजी A, uh, A जो है ना वो फाइन करना है तो ये एजी कैसे करेंगे तो टेंशन मत लेना हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले तो देखो यहां पे हमारे पास क्या है कि ये जो बीसी है वो हमारे पास पूरा टेन सेंटीमीटर है बरोबर -बर तो ये पूरा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे दिया ना बेस 10 सेंटीमीटर है तो ये पूरा हमारे पास 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बी एम है और ये जो एम सी है वो क्या हो जाएगा फाइव फाइव हो जाएगा है ना बिकॉज एम क्या है मिड पॉइंट है तो इससे हमको क्या मिलेगा यहाँ पे देखो फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये जो ट्राएंगल है ये हमारा राइट एंगल ट्राएंगल है है ना तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग ये जो मीडियन है ना उसका लेंथ फाइंड कर देंगे और अगर एक बार हमको मिडियन मिल गया तो हमको ये एजी मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा बिकॉज वी नो दैट कि ये वाला जो पार्ट होता है मिडियन का यानी कि ये जो एजी होगा दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू वॉन मैंने आपको बताया हुआ है दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन है ना ये देखो मैंने आपको बाजू में बताया है यहां पे बताया था कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है दैट इज इक्वल टू वट टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन तो एक बार अगर हमको पूरा मीडियन मिल गया ना पूरा मीडियन का लेंथ मिल जाएगा ना तो ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस वाला कॉन्सेप्ट ओके okay? तो हम लोग क्या करने वाले हैं सबसे पहले तो ये दिखाएंगे कि ये जो बी है और ये जो एम है वो क्या है फाइव फाइव सेंटीमीटर के है तो यहाँ पे अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं ठीक है थीके? इजी है टेंशन मत लेना तो नाव करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नाव यहाँ पे देखो क्योंकि एम क्या है मिड पॉइंट है ये सेगमेंट बी का तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये यह जो बी है यहाँ पे देखो अच्छे से लिखती हूँ एक मिनट ये जो बी है दैट इज इक्वल टू एम एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ओके हाफ ऑफ बी सी तो यहाँ पे देखो ये जो बी है दैट इज इक्वल टू एम एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC BC हमारे पास पूरा टेन है तो यहाँ पे टेन आ जाएगा तो टू वन जा टू फाइव जा टेन यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि BM और ये जो MC है वो हमको मिल गया है फाइव सेंटीमीटर क्या मिल गया है फाइव सेंटीमीटर मिल गया ठीक है।, है तो ये हमको फाइव सेंटीमीटर मिल गया है अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा ये वाला जो है ये वाला जो हमारा सेगमेंट है वो मिल जाएगा यानी कि मीडियन का लेंथ हमको मिल जाएगा ठीक है तो यहां पे हमने प्रूव कर लिया है कि अब वो मीडियन है ठीक है स्टार्टिंग में तो हमको पता नहीं था कि ये मीडियन है कि नहीं लेकिन एक्चुअली में ये आगे जाके क्या निकला मीडियन ही निकला ओके okay? तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे आगे बताओ क्या लिखेंगे हम लोग आगे हम लोग लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए एम बी ठीक है यहां पे लिखते हैं नाउ इन ट्राइंगल देखो क्या क्या लिखने वाले हैं इंट्राइंगल ए एम बी एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है तो देर फोर पाइथागोरस तो थ्योरम ठीक है ये फटाफट लिखते हैं तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है जो यहाँ पे मैंने आपको बोला वही लिखा है बाय पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पे देखो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अपोजिट में जो साइड होगी दैट इज हाइपोटेनस तो ए ए बी हमारी हाइपो है तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड ठीक है तो ये हमारे पास फिफ्टीन है सॉरी फिफ्टीन नहीं है थर्टीन है तो यहाँ पे मैंने गलती से फिफ्टीन लिख दिया है तो यहाँ पे आएगा हमारा थर्टीन का स्क्वायर ठीक है तो थर्टीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम हमारी मीडियन है ठीक है वो फाइन करना है और बी एम हमने बता दिया है कि ये फाइव है है ना यहाँ पे देखो फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर वन डाल देंगे तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन ओके यहाँ पे फाइव किसके लिए आया फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो थर्टीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन ओके इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव तो ये जो 25 है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बरबर तो 169 सिक्सटी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा हमको मिलेगा 144 मिलेगा ओके वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप लोग लिख दो ठीक है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड मैं फटाक से स्क्वायर रूट डाल देती हूँ और ये स्क्वायर ये स्क्वायर रूट कैंसल एंड स्क्वायर रूट ऑफ 144 होगा 12 यानी कि 12 इज इक्वल टू ए एम मिल गया ओके okay, यानी कि दैट इज हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ए एम है यानी कि जो हमारा मीडियन है उसका लेंथ मिल गया है हमको ट्वेल्व सेंटीमीटर ओके तो यानी कि ए एम यानी कि मीडियन मिल गया है अब मीडियन मिल गया है तो ये वाला तो पार्ट मिल ही जाएगा ये वाला क्या होता है ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन होता है ठीक है ये आपको पहले से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्योंकि ये सब हमने एथ स्टैंडर्ड में किया है तो टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियन मतलब क्या टू अपॉन थ्री

मीडियन देर फोर हम लोग क्या बोलेगे देर फोर जो हमको फाइन करना है यानी कि ये जो हमारा ए जी है यहां पर देखो ये जो हमारा ए जी है ये वाला जो पार्ट है ए जी तो हम लोग बोलेगे दर फोर एजी जो होगा दैट इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री टाइम्स द मीडियम ठीक है यानी कि हम लोग बोलेगे टू अपॉन थ्री इन टू मीडियन हमारा है ए एम तो दैट इज इक्वल टू ए एम And equal to 2 upon 3 into है हमारे पास एल ठीक है इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो दैट इज इक्वल टू थ्री वन जार थ्री थ्री फोर जार टू एल्व टू इन टू फोर हो जाएगा एट तो यानी कि हमारा आंसर है एट सेंटीमीटर तो यानी कि ए जी जो है दैट इज इक्वल टू एट सेंटीमीटर तो ये है हमारा आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा क्या है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा आ, तो बता देती हूँ कि कन्फ्यूजन एक्चुअली में हुआ भी कहाँ पे होगा देखो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये बोला है स्टार्टिंग में क्या बोला है कि ये जो सेगमेंट ए एम है ना वो क्या है हमारी सिर्फ परपेंडिकुलर है किसको साइड बीसी को हमको स्टार्टिंग में ये पता ही नहीं था कि ये जो सेगमेंट ए एम है वो क्या है हमारी मीडियन है वो तो हमने बाद में जाके रियलाइज किया कि ये जो सेगमेंट ए एम है वो क्या है हमारी मीडियन है ठीक है तो यहाँ पे हमने बोला कि ड्रॉ सेगमेंट ए एम दट इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी उसके बाद हमने क्या किया ये वाला जो हमारा ट्राएंगल है ये वाला जो ट्राइंगल है और ये जो इसके बाजू वाला जो ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रेंट दिखाया बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट ठीक है क्योंकि ये दोनों क्या है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल है और इनकी हाइपो क्या है कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब कौन सा टेस्ट लगता है हाइपोटेनस साइड टेस्ट लगता है और जब भी दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रेंट होते हैं ओके कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इसका मतलब क्या उनके करस्पोन्डिंग साइड जो होंगे वो सारे क्या होंगे गए होंगे तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बी था और ये यहाँ पे ये यह जो एम सी था ये दोनों साइड हमारे क्या हो गए कांग्रेन हो गए ठीक है तो वही हमने यहाँ पे लिखा रीजन के लिए लिखा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट एम है वो क्या है हमारा मिड पॉइंट है देरफोर पॉइंट एम जो है वो क्या है हमारा मिड पॉइंट है ये साइड बी सी का अगर ये मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या कि ये जो हमारी सेगमेंट है एक्चुअली में ये सेगमेंट क्या है हमारी मीडियन है ओके यानी कि ये परपेंडिकुलर तो है ही और ये हमारी मीडियन भी निकली एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग यानी कि ये हमारी मीडियन है ठीक है उसके बाद हमने क्या किया ये जो हमारा बी एम है उसका हमने लेंथ फाइंड किया वो हमको फाइव मिला ओके ये पूरा अगर टेन है और ये मिड पॉइंट है तो मतलब ये फाइव और ये भी फाइव होगा फिर हमने फिर हमने क्या किया देखो यहाँ पे ये जो हमारा ट्राइंगल है ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हमने पाइथागोरस -तो थ्योरम अप्लाई करके ये जो पूरा मीडियन है ना ये हमारा मीडियन है उसका लेंथ फाइंड किया है ना उसका लेंथ फाइंड किया तो एक बार अगर हमको मीडियन पता चल गया तो मैंने आपको बताया ही है कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा जो वर्टेक्स से लगा के जो सेंट्रोइड तक का जो पार्ट होता है दैट इज इक्वल टू टाइम्स द मीडियन ओके मीडियन मिल गया बारह तो बारह उसके जगह पे पुट किया थ्री वन जी फोर जैन टू इन टू फोर हो जाएगा एट तो एट सेंटीमीटर हमारा आंसर है ओके okay? अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये वाला जो पार्ट है वो हमारा एट सेंटीमीटर है तो इसके नीचे वाला पार्ट क्या होगा हमारा फोर सेंटीमीटर होगा क्या होगा फोर सेंटीमीटर होगा अब कैसे पता चला ये फोर सेंटीमीटर होगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि ये जो मिडियन है सॉरी ये जो सेंट्रॉइड है वो क्या करता है मिडियन को टू इस टू वन के रेशियो में डिवाइड करता है तो अगर ऊपर वाला क्या है आठ है तो नीचे वाला क्या होगा फोर होगा और अगर तुम लोग देखोगे एट प्लस फोर क्या होगा एट प्लस फोर होगा टुवेल्व यानी कि ये पूरा जो मीडियन है वो टूवेल्व होना चाहिए तो यहाँ पे देखो मीडियन टूवेल्व ही था हमारा है ना तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसको हम लोग और इजी वे में कर सकते थे अपोलिनियस जो हमारा थियोरम है उसको यूज करके लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने आपको अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इसको कराया है ठीक है तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दैट इज वन तो चलो अभी हम लोग करते हैं फिफ्टींथ वन तो यहाँ पे देखो क्या दिया है इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी सेगमेंट ए बी इज पैरल टू सेगमेंट डी सी यानी कि यहाँ पे देखो ये जो कॉर्डिलेटर ए बी सी डी जो है वो क्या है एक ट्रेपेजियम है एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो ट्रेपिजियम होता है उसके उसका वन पेयर ऑफ साइड जो होता है दैट इज पैरल ओके यानी कि एक पेर ऑफ साइड जो होता है वो पैरल होता है तो यहाँ पे देखो ये जो ए बी है और ये जो डी सी है ये दोनों जो साइड है वो क्या है पैरल है और ये जो है हमारे वो नॉन पैरल साइड है और यहाँ पे देखो जो नॉन पैरल साइड है ना वो क्या है इक्वल है यहाँ पे देखो ये फिफ्टीन है और ये भी फिफ्टीन है ओके okay, तो यानी कि जब भी आ, अगर हमारे पास एक कॉर्डिलेटरल है ट्रेपेजियम और उसके नॉन पैर साइड क्या है इक्वल है तो उस ट्रेपिजियम को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपिजियम ओके okay, क्या बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपिजियम तो ये हमारा क्या है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रेपिजियम है ठीक है ओके okay, आगे देखो क्या दिया है हमको सेगमेंट बी डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए डी यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट बी डी है वो किसको परपेंडिकुलर है डी को परपेंडिकुलर है और जो सेगमेंट ए सी है दैट इज परपेंडिकुलर टू द बी सी यानी कि यहाँ पे देखो ये जो सेगमेंट ए सी है दैट इज परपेंडिकुलर टू व सेगमेंट बी सी ठीक है और हमको दिया है डी इज इक्वल टू फिफ्टीन बी सी इज इक्वल टू फिफ्टीन और ए बी ट्वेंटी फाइव यहाँ पे देखो डी है फिफ्टीन बीसी है फिफ्टीन और जो AB है ये जो पूरा AB है वो क्या है हमारे पास ट्वेंटी फाइव है ओके और हमको क्या करना है ये जो ट्रेपेजियम ABCD है उसका एरिया फाइंड करना है ओके वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ कॉर्डिलेटरल ABCD यानी कि ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपिजियम क्या होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ तो एरिया ऑफ कॉर्डिलेटर ए बी सी डी और यहाँ पे ये जो कॉर्डिलेटर है वो क्या है हमारा ट्रेपिजियम है ओके तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपिजियम जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ समल साइड इंटू हाइट ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है हाफ ऑफ समल साइड इंटू हाइट तो यहाँ पे देखो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हाफ इंटू सम का मतलब क्या होता है एड करना ठीक है सम मतलब ऐड करना किसको ऐड करना है हमको पैरेलल साइड को ऐड करना है तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्रेपेजियम है इसके पैरेलल साइड कौन से है बी और डी सी तो यहाँ पे आएगा ब्रैकेट के अंदर ए डी सॉरी ए बी सॉरी ए बी आएगा ठीक है ए बी प्लस डी सी ओके तो यानी कि हमने क्या किया सम ऑफ पैरेलल साइड कर दिया तो हाफ into sum of parallel side into height. तो यहाँ पे देखो ये ट्रेपेजियम का हाइट क्या होगा तो हाइट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ठीक कि, आगे, आगे तो 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 कि ये जो हमारे दो पैरल लाइन है ना इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा हाइट ठीक है तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे जो हमारा डी है ना यहाँ से हम लोग क्या करेंगे

डीसी है क्या हमारे पास नहीं डीसी नहीं है तो डीसी हमको फाइन करना पड़ेगा और फिर हाइट भी हमको फाइन करना पड़ेगा है ना हाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे उसके बाद उसको फाइन करेंगे, यानी कि हमको ए बी और हाइट फाइंड करना है तभी जाके हमको क्या मिलेगा ये जो ट्रेपेजियम है उसका एरिया मिलेगा ठीक है इतना समझ में आया ये हमारा सिर्फ एक रफ पार्ट है जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था अब यहां पे देखो ये जो क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है अगर इसको मैं लिख लिख के समझाऊंगी तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है इसलिए मैंने ये पहले ही सोल्यूशन लिख दिया है अभी हम क्या करेंगे हमारा फोकस पूरा यही होगा कि हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन इसके सोल्यूशन को अच्छे से समझेंगे क्योंकि लिखने का पार्ट ऑलरेडी हमने कर दिया है ओके तो चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो सोल्यूशन स्टार्ट होगा हमारा इस ट्राइंगल से यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल ए डी बी जो है ना ये क्या है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है कौन सा ट्राइंगल मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर देती हूँ हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये जो ट्राएंगल है ना इसमें हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस uh, थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें हम लोग थ्योरम अप्लाई करके क्या करने वाले हैं ये जो डीबी है ना उसको फाइंड करेंगे ओके okay? क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास इस ट्राइंगल की ये वाली साइड है और ये वाली साइड भी है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये डी बी को फाइंड करेंगे ठीक है तो चलो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा तो हम लिखेंगे यहां पे इन ट्राइंगल ए डी बी एंगल डी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है यहाँ पे देख लो ठीक है तो देरफोर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा 90 डिग्री के अपोजिट में साइड में जो होती है सॉरी नाइन्टी डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर तो वही लिख दिया है ए बी है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर

तो 625 हंड्रेड एंड माइनस टू हंड्रेड तो मिलेगा 400 तो यानी कि डी बी का जो स्क्वायर है वो हमको मिल गया है 400 अब हमको ये स्क्वायर को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे बोथ तो साइड स्क्वायर रूट लेंगे ठीक है तो हमने बोथ साइड क्या किया स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फोर होगा ट्वेंटी तो दैट इज इक्वल टू डी यानी कि हमको क्या मिल गया डी मिल गया है ट्वेंटी क्या मिल गया यहाँ पे देखो ये जो डी है ना ये देखो ये डी है हमारा ये हमको मिल गया है ट्वेंटी तो यहाँ पे देखो ये जो है वो हमको ट्वेंटी मिल गया है इतना समझ में आया अब यहाँ पे देखो हम लोग आगे क्या लिखेगी सिमिलरली जो हमारा ए होगा वो भी ट्वेंटी होगा यहाँ पे देखो ए मतलब क्या ए मतलब ये वाला ये भी क्या होगा हमारा ट्वेंटी होगा अब कैसे ट्वेंटी होगा तो रुको मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ना एक मिनट अभी देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से बताती हूँ एक मिनट मुझे पहले ये पूरा अच्छे से रफ करने दो तो, फिर मैं आपके पास आती हूँ तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने कौन सा ट्राइंगल लिया ये वाला ट्राइंगल लिया कौन सा ट्राइंगल ए डी बी ठीक है तो ये जो ट्रायंगल ए डी बी लिया हमने उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और हमने डीबी फाइंड किया और डीबी हमको क्या मिला डीबी हमको मिला है 20 क्या मिला है 20 मिला है अब ये जो प्रोसेस हमने किया है ना यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए दैट इज ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है उसके लिए अब हम ये सेम प्रोसेस किसके लिए करेंगे इस ट्रायंगल के लिए करेंगे दैट इज ट्रायंगल ए सी बी के लिए करेंगे ओके okay? ट्राइंगल ए सी बी के लिए करेंगे तो जब हम ये सेम प्रोसेस ठीक है ये पूरा सेम प्रोसेस ट्राइंगल ए सी बी के लिए करेंगे तो हमको ए सी जो है ना यहाँ पे देखो ये जो ए सी है ना वो भी हमको क्या मिलेगा ट्वेंटी मिलेगा क्या मिलेगा ट्वेंटी मिलेगा तो हमने इसलिए सिमिलरली करके सिमिलरली करके लिख दिया है कि ए सी भी क्या होने वाला है ट्वेंटी होने वाला है हमको ये पूरा प्रोसेस दिखाने की जरूरत नहीं है अब ये ट्वेंटी कैसे होगा तो रुको मैं बताती हूँ यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर वाला जो ट्राइंगल है ना उसको देखो ये भी क्या है हमारा एक राइट एंगल ट्राएंगल है यहाँ पे देखो ये नाइन्टी डिग्री का एंगल है और इसकी अपोजिट साइड में जो हमारी सॉरी इसके अपोजिट साइड में जो हमारी हाइपो है वो क्या है ट्वेंटी फाइव है और उसकी एक साइड जो है वो क्या है पंद्रह है तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राएंगल था उसमें भी तो ऐसा ही था ना ये देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राएंगल था इसकी अपोजिट साइड जो है दैट इज ये हाइपोटेनस क्या थी ट्वेंटी फाइव थी और इसकी एक साइड क्या थी हमारी फिफ्टीन थी तो इसमें हमने पाइथागोरस तो थ्योरम अप्लाई किया तो हमको ये वाली साइड क्या मिली ट्वेंटी मिली तो वैसे ही जो हमारा ब्लू कलर का जो ट्राएंगल है उसमें भी सेम प्रोसेस होगा एकदम सेम प्रोसेस होगा और हमको ए सी क्या मिलने वाला है ट्वेंटी मिलने ही वाला है तो अगर आपको ये पूरा फिर से दिखाना है तो आप बिंदास दिखा सकते हो लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है सिमिलरली करके कि ए क्या होगा ट्वेंटी होगा ठीक है अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने ये जो डीबी है वो क्यों फाइंड किया है ना आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये जो हमने db बी किया वो क्यों फाइंड किया एक मिनट अब ये एक्स्ट्रा चीज मैं रफ कर देती हूँ तो अब यहाँ पे देखो ये जो db है वो हमको 20 मिला था बरोबर तो ये हमने क्यूब फाइन किया था ताकि अभी हम लोग क्या कर सके ये जो देखो हमारा ग्रीन कलर का जो ट्रायंगल है ना इसका हम लोग क्या कर सके एरिया फाइन कर सके ठीक है अब यहां मैं आपको बताने वाली हूं जो हम क्या कर रहे हैं ग्रीन ट्रायंगल में कर रहे हैं ना वही हम क्या करेंगे सिमिलर प्रोसेस हमारा क्या होगा ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल होगा ना उसमें भी होगा तो ये चीज अपने दिमाग में पहले ही फिट कर लो ओके okay, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो भी हम लोग ग्रीन कलर के ट्राइंगल में जो भी पूरा प्रोसेस कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस हमारा क्या होगा ये जो ब्लू कलर का ट्राएंगल

ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है ना इसमें अगर हम लोग बेस इसको लेते हैं तो हाइट क्या होगी बेस के अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट हो जाएगी तो हाइट हमारी ये हो जाएगी है ना तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो हमारा ट्राइंगल है ए डी बी उसका एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है बेस है बेस है पंद्रह और हाइट कितना है हाइट है हमारे पास बीस ओके okay, तो यानी कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस बेस क्या है हमारा ए डी है यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो गया है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेस uh, है हमारा ए डी हाइट क्या है हमारा बी डी है ओके okay? तो इंटू बी डी बोलो या डी बी बोलो एक ही है तो इंटू डी बी ठीक है समझ में आया ना आपको यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा रफ करके आपको अच्छे से बताना पड़ेगा तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ट्राएंगल है ना ये हाँ ये ग्रीन कलर का ट्राइंगल ये हमारा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल है ठीक है अभी इसका हम लोग एरिया फाइन करने वाले हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी इज इक्वल टू वट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है तो अगर हम लोग बेस इसको ले रहे हैं देखो बेस इसको लिया है ठीक है बेस हमारा ए डी है तो हाइट क्या हो जाएगा ये वाला हाइट हो जाएगा ठीक है तो हमको पहले से पता है क्वेश्चन में गिवन है इंटू हाइट यानी कि डी बी देखो डीबी इसलिए तो हमने फाइन किया था यहाँ पे देखो डी बी फाइन किया था ट्वेंटी तो ये आ गया हमारा यहाँ पे ट्वेंटी ठीक है फिर टू वन जा टू किया और टू टेन जा हो गया हमारा ट्वेंटी उसके बाद 15 इंटू टेन करेगी देखो 15 इंटू टेन करेगे तो 150 मिलेगा यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी जो है वो हमको मिला 150 फिफ्टी स्क्वायर यूनिट इसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया ओके अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा ब्लू कलर का जो ट्राइंगल था ना उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा ये हमारा जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है उसका भी एरिया क्या मिलेगा हमको 150 स्क्वायर यूनिट ही मिलेगा ओके okay? क्योंकि पे देखो ये तो हमको कैसे मिलेगा, ऐसे, कैसे मिलेगा, बता देती है ट्राइंगल है ए सी बी इसका भी जो इसका अगर हम लोग एरिया फाइन करेंगे तो दैट इज इक्वल टू वट हाफ इंटू बेस इंटू हाईट तो अगर हम लोग बेस इसको ले रहे हैं ये अगर सपोज करो कि बेस है हमारा तो हाइट क्या होगा बेस uh, के अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये हाइट हो जाएगी ओके okay, तो इसका बेस है पंद्रह और हाइट है ये हाइट क्या है हमारे पास ट्वेंटी है बरबर एसी क्या है हमारे पास ट्वेंटी देखो सिमिलरली करके हमने लिखा था सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू ट्वेंटी यानी कि हाफ इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी करो हाफ इंटू फिफ्टीन इंटू ट्वेंटी करेगी तो सेम प्रोसेस है मैंने बोला ना जो भी ग्रीन कलर के लिए हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे वही हमारा ब्लू कलर के लिए भी सॉरी ग्रीन कलर के ट्रायंगल के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करेगी वही हमारा ब्लू कलर का जो ट्रायंगल है उसके लिए सेम प्रोसेस अप्लाई होगा इसलिए हम सिमिलरली करके लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी जो होगा देखो यहाँ पे सिमिलरली करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी जो होगा वो भी क्या होगा वन फिफ्टी स्क्वायर यूनिट होगा ठीक है समझ में आया आपको ओके okay. अभी आ जाते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन uh, की बारी ओके ठीक है यहाँ पे अभी देखो ये हमारा क्या है कंस्ट्रक्शन है क्योंकि हमको क्या करना है ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हाइट की जरूरत है और हाइट हमारे पास ड्रॉ uh, किया हुआ भी नहीं है है ना तो हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन से हाइट ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है तो हम नाव बोलेंगे नाव ड्रॉ डी एम दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी एन सी एन दैट इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी ठीक है इसको हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं तो चलो ड्रॉ करेंगे उससे पहले मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होने वाला है यहाँ पे देखो ट्रेपेजियम का जो हाइट होता है वो क्या होता है ये जो हमारे दो पैरल साइड है ट्रेपेजियम के उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ये जो वर्टेक्स डी है यहाँ से क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द साइड ए बी ठीक है तो यहां से देखो हम लोग ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो डी एम है ये देखो ये जो सेगमेंट डी एम है दैट इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी ठीक है वैसे ही हम लोग यहाँ से भी ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पे देखो ये ये जो सी है यहां से भी हम लोग क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन द साइड ए बी

ओके okay. अभी देखो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पे देखो अगेन हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा ट्राइंगल है ये देखो जो ग्रीन कलर का जो ट्राएंगल है ना ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है उसमें क्या करने वाले हैं हम लोग एरिया का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ठीक है ये जो ग्रीन कलर का जो ट्राएंगल है इसमें अगेन हम लोग क्या करेंगे एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे और इस बार हम लोग क्या करेंगे बेस किसको मानेंगे ए बी को बेस मानेंगे ठीक है ए बी को क्या करेंगे बेस मानेंगे देखो हमको क्या चाहिए ये हाइट चाहिए ना डीएम चाहिए ना क्योंकि यहाँ पे देखो हमको ट्रेपेजियम uh, का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमको हाइट की जरूरत है हाइट क्या है यहाँ पे हमारा ये डीएम ठीक है डीएम इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम तो यानी कि डीएम है और डीएम की वैल्यू चाहिए हमको तो वो कैसे मिलेगी तो अभी देखो अभी मैं जो बता रही हूं ना ध्यान से सुनना ये जो हमारा ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है स्टार्टिंग से ये ग्रीन कलर का ही ट्राइंगल है हमारा ठीक है तो ये जो ग्रीन कलर का ट्राएंगल है इसमें हम लोग क्या करेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो फॉर्मुला है वो यूज करेंगे एंड दैट इज इक्वल टू वट दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इंटू वट बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है लेकिन इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं बेस किसको मानेंगे बेस हम लोग मानने वाले हैं इसको ये हमारा बेस होगा ये बेस होगा तो हाइट क्या होगा देखो जो भी बेस होता है ना उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स होता है वहां से जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमारी हाइट हो जाएगी तो ये हमारी हाइट हो जाएगी ठीक है तो हमारे पास क्या है बेस है बेस है हमारे पास ट्वेंटी फाइव ओके और हमारे पास क्या है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है उसका एरिया है देखो यहाँ पे हमको एरिया मिल गया था इसलिए तो हमने इसका एरिया निकाल दिया था है ना ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी हमारे पास है तो हमारे पास एरिया है और हमारे पास बेस है तो हम क्या करेंगे ये हाइट फाइन कर लेंगे तो इसलिए हमने ये वाला प्रोसेस किया था ये वाला जो इतना बड़ा प्रोसेस किया था ना हमने किसके लिए किया था ताकि हम लोग ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है उसके उसका उसका एरिया एरिया फाइंड कर सके और उसका हमको कैसे मिला तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या किया ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है ये देखो ये जो ग्रीन कलर का ट्राइंगल है इसमें हमने ये जो डीबी है वो फाइन किया था ओके डीबी फाइन किया था बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बायूजिंग पे देखो देखो स्टार्टिंग में देखो पाइथागोरस पायतोग्रस्ती हमसे डी बी फाइंड किया था तो उससे क्या मिला था हमने क्या किया कि ये जो ए, ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड किया कैसे एरिया फाइंड किया तो तब हमने क्या किया था ना तब हमने ये जो हमारा एडी है उसको एज अ बेस माना था एडी हमारा क्या होगा बेस होगा तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी डी बी हाइट हो जाएगी ओके okay, तो तब ये बेस था और ये हाइट थी तो बेस और हाइट हमारा बेस uh, और हाइट हमारे पास था इसलिए हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया था उसको इक्वेशन नंबर वन दे दिया था बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग नाउ वी आर डूइंग कि अगर हम लोग क्या करते हैं ये अगेन ये वाला ट्राइंगल गए हम लोग ये ग्रीन कलर का ले गए लेकिन इस बार हम लोग बेस किसको मान रहे हैं बेस मान रहे हैं हम लोग ए बी को ये क्या होगा ए बी हमारा बेस होगा तो हाइट हो जाएगा डीएम ओके okay, तो हमारे पास क्या है देखो नाव हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है ये बेस है और ये हमारा हाइट है ठीक है हाफ एक मिनट अच्छे से लिख देती हूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ठीक है तो बेस किसको मान रहे हैं ए बी को बेस मान रहे हैं और ये हमारा हाइट हो जाएगा दैट इज डी एम हमारा हाइट हो जाएगा तो डीएम हमारा हाइट हो गया तो इस बार हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी है ना ये हमको इक्वेशन नंबर वन से मिला है तो यहाँ पे हम लोग रीजन uh, में लिख देना आप लोग ठीक है रीजन में क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ठीक है ये आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन और यहाँ पे हाफ इंटू ए बी हमारे पास देखो बेस हमारे पास ट्वेंटी फाइव है यहाँ पे देखो ये जो बेस है ना ये ए बी पूरा हमारे पास क्या है ट्वेंटी फाइव है यहाँ पे देख लो ए बी हमारे पास है ट्वेंटी फाइव ठीक है तो ए बी के नीचे ट्वेंटी फाइव इंटू डी एम हमको फाइंड करना है ठीक तो है तो डी एम यहाँ पर ही रहेगा उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया ताकि मैं आपके साथ ही सॉल्व कर लूँ तो यहाँ पे देखो क्या होगा ये जो टू डिवाइड में है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा मल्टीप्लाई में टू और ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ट्वेंटी फाइव है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड में ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ठीक है इक्वल टू डीएम तो यानी कि ट्वेंटी फाइव वन सा ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी फाइव सिक्स होगा वन फिफ्टी ठीक है और सिक्स इंटू टू करेगी तो हमको मिलेगा टूएल्व दैट इज टूएल्व इज इक्वल टू डी एम तो दैट इज हमको डीएम कितना मिल गया डीएम हमको मिल गया है टूवेल्व ओके okay, तो हमको देखो डीएम चाहिए था यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करने के लिए हमको ये डीएम जो है वो हमारा हाइट है ये ट्रेपेजियम का वो हमको चाहिए था और वो हमको मिल गया है ठीक है एक मिनट इसको अच्छे से कर देती हूँ ये बहुत खिचड़ी हो गई है यहाँ पे आएगा हमारा डीएम ओके डीएम जो हाइट है वो हमारी डीएम है और वो अभी हमको मिल गई है तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है तो डीएम अभी मिल गया है हमको कितना

ठीक है तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर का जो ट्राइंगल है ए सी बी उसका भी एरिया क्या था हमारे पास ए सीबी वन फिफ्टी स्क्ट ओके तो अभी अगर सपोज करो कि ये जो ट्राइंगल है हमारा ए सी बी उसमें हम लोग बेस किसको मानते हैं इसको मानते हैं है, ये बेस होगा तो हाइट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ओके तो वही सेम प्रोसेस हुआ ना कि ये ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास और बेस है 25 तो हाइट निकालने को जाएगी यानी कि ये जो सी एन है उसको निकालने के लिए जाएंगे तो ये भी हमको क्या मिलेगा टूवेल्व मिलेगा तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया है कि सिमिलरली सी एन जो है वो क्या है हमारे पास टूवेल्व है ओके okay, अभी इतना समझ में आ गया यानी कि हमको क्या 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 मिल गया है रुको बताती एक मिनट अच्छे से बताती हुए टूएल्व मिल गया है और ये भी हमको ट्वेल्व मिल गया है ठीक है मतलब कि अभी तक देखो हमको क्या मिल गया है हाइट मिल गया है हमको क्या चाहिए डीसी चाहिए अब मेन काम क्या है हमको फाइंड करना है ये डीसी फाइंड करना है ठीक है ये डीसी जो है ना वो फाइन करना है ये देखो ये डीसी है वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं निकाल सकते तो अभी हमको डीसी कैसे मिलेगा तो रुको मैं बताती हूं अभी देखो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ना यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है ना इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे पाइटोव तो थ्योरम अप्लाई करेंगे क्या करेंगे पाइतो थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम लोग एएम निकालेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली साइड हमारे पास है और ये वाली साइड भी है तो पाइथागोरस तो थ्योरम से हमको ये वाली साइड मिल जाएगी देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये वाली साइड मिल जाएगी अब देखो जो प्रोसेस हम लोग यहाँ पे करेंगे वो सेम प्रोसेस हमारा इस ट्राइंगल के लिए भी होगा ओके ये वाला जो ट्राएंगल है वो सेम प्रोसेस होगा इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमको ए एम मिलेगा वही हमको क्या मिलेगा एन बी मिलेगा तो ये दोनों एक्चुअली में क्या होने वाले हैं सेम ही होने वाले हैं ठीक है थीके? क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली साइड है टूल्व यहाँ पे ये वाली साइड है ये ये है 15, है 15. तो मतलब जो यहाँ पे करने वाले है, वही सेम यहाँ पे भी होगा ठीक है तो ए जो मिलेगा वही हमारा एन बी होगा तो इससे क्या होगा देखो मैं बताती हूँ मैं ओवरऑल पहले समझा देती हूँ कि एक्चुअली में करने का क्या है यहाँ पे देखो ये जो 25 है ना ये देखो ए से लगा के ये जो पूरा बी तक है ना वो हमारे पास क्या है 25 है ठीक है एम बी सॉरी एम एन जो है ना वो ट्वेंटी फाइव नहीं है यहाँ पे ये गलत है एम एन ट्वेंटी फाइव नहीं है ये जो पूरा है ना ए से लगा के बी तक वो है ट्वेंटी फाइव ठीक है तो अब देखो हमारे पास अगर सपोज करो कि ए एम आ गया और एन डी आ गया और हमारे पास ये पूरा जो साइड है ये जो पूरा ए बी है वो है हमारे पास ट्वेंटी फाइव तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग ये जो एम एन है ना वो फाइन कर लेंगे ठीक है तो ये जो एम एन है ना वो हमको मिल जाएगा तो जब हमको एक बार एम एन मिल जाएगा ना तो हमको क्या मिल जाएगा ये डीसी मिल जाएगा और डीसी कैसे मिलेगा क्योंकि हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं यहाँ पे देखो ये बीच में आपको एक एक कॉर्डिलेटरल नजर आ रहा होगा ये वाला हाँ ये वाला ये कॉडिलेटरल है जो क्या हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि ये कॉडिलेटरल जो है ना वो क्या है पेलोरोग्राम है क्या है है ये ये एक है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पेलोरोग्राम के अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं तो जो हमको एम एन मिलेगा वही हमको डीसी मिल जाएगा और एक बार जब हमको डीसी मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रैपेजियम निकाल देंगे ठीक है समझ में आया अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखो इंपॉर्टेंट चीज है बार बार मैं बोलूंगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ अच्छे से रफ कर देती हूँ रुको तो यहाँ पे देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं अभी ये वाला ट्राइंगल लेंगे ठीक है ये वाला जो ट्राएंगल है इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस तो थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं ठीक है थीके? आ, ये ट्वेल्व है हमारे पास और ये फिफ्टीन है तो इससे हमको ए एम मिल जाएगा ठीक है जो भी हमारा ए एम होगा वही हमारा एन बी हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एम और एन बी आ जाएगा और ये जो ए से लगा के बी तक जो है वो है हमारे पास पूरा ट्वेंटी फाइव ठीक है एम एन ट्वेंटी फाइव नहीं है एम एन ट्वेंटी फाइव नहीं है ये ए से लगा के बी तक जो है वो है हमारे पास ट्वेंटी फाइव तो उसके उसके बाद क्या होगा हमको ये एम एन जो है ना वो मिल जाएगा एम एन मिल जाएगा ना उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि ये जो कॉर्डिलेटर आपको बीच में दिख रहा है ना ये कॉर्डिलेटर कौन सा कॉर्डिलेटर डी सी एन एम ये जो कॉर्डिलेटर है वो तो इक्वल होते हैं तो उससे क्या होगा कि ये एम एन जो मिला है वही हमारा डी सी हो जाएगा और एक बार अगर हमको डीसी मिल गया तो बस हमको एरिया ऑफ मिल जाएगा ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे ये वाला जो ट्रायंगल है दैट इज ट्रायंगल इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहां पे देखो नेक्स्ट स्टेप है इन ट्रायंगल ए एम सी एंगल एम इज नाइन

ये 144 फोर्टी फोर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा तो 225 हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव माइनस वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा एटी वन एटी वन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर तो स्क्वायर को हटाना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ठीक है स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ एटी वन इज नाइन तो नाइन इज इक्वल टू ए एम तो दैट इज ए हमको मिल गया नाइन ओके okay? तो मैंने बताया था ना आपको ए मिल जाएगा हमको ए कितना मिला बताओ ए हमको मिल गया है नाइन तो अगर ए एम मिला है तो तुम लोग दिमाग लगाओ ना एन बी भी क्या होगा नाइन ही होगा कैसे नाइन होगा अब तुम लोग इस ट्राइंगल को लो इस ट्राइंगल में पाइट तो कर अप्लाई करके देख लेना ओके okay? तो ये भी क्या होगा हमारा नाइन ही होगा तो सिमिलरली करके हम लोग बोल देंगे सिमिलरली एन बी क्या होगा नाइन होगा ओके okay? अभी हम लोग क्या करेंगे ये जो एम एन है ना mn उसको फाइंड करेंगे ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे देखो ये जो ab है ये पूरा ab जो है उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं ab इज इक्वल टू व्हाट am प्लस mn प्लस nb राइट right? हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं करके दिखाती हूं ab जो है ये पूरा जो ab है उसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट दैट इज इक्वल टू am दैट इज इक्वल टू व्हाट am प्लस mn प्लस nb ओके एंड रीजन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट ए एम एन बी जो है वो क्या है कोलिनियर है हम बोलेंगे कि पॉइंट ए पॉइंट एम पॉइंट एन पॉइंट बी ये चारों पॉइंट है इसलिए हमने इसलिए हमने ये लिखा ओके okay? तो ए बी के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे ए बी हमारा पूरा है ट्वेंटी फाइव ओके इक्वल टू ए एम है हमारा नाइन देखो अभी जस्ट मिला प्लस एम एन हमको फाइंड करना है प्लस एन बी है हमारे पास नाइन ओके नाइन प्लस नाइन हो जाएगा एटीन और प्लस एम एन और यहाँ पे जो हमारा है ये ट्वेंटी फाइव ये ट्वेंटी फाइव डर ही रहेगा ठीक है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये प्लस एटीन जो है उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे देखो यहां पे मैंने ऑलरेडी किया है सब तो यहाँ पे देखो मैंने वही सेम लिखा है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी ठीक है उसके बाद ये नाइन था ये नाइन था नाइन प्लस नाइन एटीन ये वहां पे शिफ्ट हो गया तो ट्वेंटी फाइव माइनस एटीन तो मिलेगा सेवन सेवन इज इक्वल टू एम एन यानी कि एम एन हमको मिल गया है सेवन अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये जो एम एन है ना ये जो एम एन है ये हमको सेवन मिल चुका है तो यानी कि ये जो डी सी होगा वो भी सेवन होगा लेकिन ये डीसी डायरेक्टली हम लोग कैसे बोल दें कि सेवन होगा है ना सबसे पहले तो ये जो बीच में आपको एक कॉर्डिलेटर नजर आ रहा है उसको हम लोग दिखाने वाले हैं कि ये जो कॉर्डिलेटर है ना वो पेलरोग्राम है अब वो कैसे दिखाएंगे वी नो दैट कि पेलरोग्राम जो होता है उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो कॉर्डिलेटर है उसके अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है ठीक है तो हम लोग दिखाने वाले हैं कि ये जो डीसी है दैट इज पैरेलल टू एम एन ओके okay, और यहाँ पे ये जो डीएम है और ये जो सी है वो क्या है एक दूसरे को पैरल है तो ये दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पे देखो इसको अभी हम लोग कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे मैं पे पे है है ना ना ये जो फिगर वो यहाँ पे लाती ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आए ठीक है तो एक मिनट रुको मैं मेरे को थोड़ा सा टाइम दो मैं यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या क्या किया है देखो यहाँ पे हमको क्या मिला है ये जो ए है वो हमको क्या मिला है नाइन मिला है ठीक है और ये जो एन बी है वो भी क्या होगा नाइन होगा ठीक है क्या होगा नाइन होगा और ये जो आ, ये जो पूरा हमारा ए से लगा के बी तक जो है वो है हमारे पास कितना ट्वेंटी फाइव तो ये तीनों के मदद से हमने क्या किया ये एम एन जो है ना उसको फाइन किया बरोबर एम एन कितना मिल गया सात मिल गया तो एम एन हमको सात मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है एम एन सात मिल गया है अभी हम लोग बोलेंगे कि डी सी भी क्या होगा सात होने वाला है यानी कि सेवन होने वाला है लेकिन कैसे ऐसे डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते ना कि एम एन जो है दैट इज इक्वल टू डी सी है ना तो हम लोग क्या बोलेंगे सबसे पहले तो ये जो कॉर्डीलेटर है ना यहाँ पे डी सी एन एम उसको क्या दिखाने वाले हैं पैलोडोग्राम दिखाने वाले हैं वो कैसे दिखाएंगे रुको बताती हूँ यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो सेगमेंट डी सी है दैट इज पैरल टू एम एन अब ये कैसे ये कैसे होगा तो सीन्स करके हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो ये ट्रेपेजियम है एंड वी नो दैट की ट्रेपेजियम की ये वाली साइड

सेगमेंट डी सी इज पैरल टू सेगमेंट एम एन रीजन के लिए लिखा है कि डी सी सिंस डी सी जो है वो पैरल क्या है ए बी को है ठीक है अब नेक्स्ट थिंग इज वॉट कि ये जो डी एम है और ये जो सी एन है ये दोनों पैरल मतलब ये पैरल क्यू है तो यहाँ पे देखो हम लोग ने रीजन के लिए लिखा है कि सेगमेंट डी एम इज पैरल टू सेगमेंट सी एन वॉट इज द रीजन क्योंकि ये दोनों जो सेगमेंट है वो क्या है परपेंडिकुलर है सेम लाइन को ओके okay, यहाँ पे देखो ये जो दोनों सेगमेंट है वो किसको परपेंडिकुलर है सेम लाइन को परपेंडिकुलर है तो जो भी सेगमेंट्स क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं सेम लाइन को वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं ओके okay, तो बस वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया कि रीजन के लिए लिख दिया परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल यानी कि जो भी सेगमेंट्स क्या है परपेंडिकुलर है सेम लाइन को वो पैरेलल होते हैं तो मतलब कि हमको मिल गया कि ये डीएम और सी भी क्या है पैरेलल है तो हम बोल देंगे देर फोर की कॉर्डिलेटरल एम जो है डी सी एन एम जो है वो क्या है एक पैलोरोग्राम है बाई डेफिनेशन बाई डेफिनेशन क्यों लिखा है यहाँ पे कि अगर कोई भी कॉडी मतलब एक कॉर्डिलेट्रल है और उसके अपोजिट साइड क्या है पैरल है तो इसका मतलब वो कॉर्डिलेटरल क्या होता है पैलरोग्राम होता है ये डेफिनेशन है ठीक है तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभी कि ये जो डीसी है ये जो डीसी है और ये जो एम एन है ये दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए बिकॉज अपोजिट ऑफ आर इक्वल तो अगर साइडोग्राम क्या है सेवन है तो डीसी भी क्या मिलेगा सेवन मिलेगा ठीक है अभी हम बिंदास क्या कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं तो चलो फाइंड करते हैं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू समल साइड इंटू हाइट ठीक है ये फॉर्मुला है तो दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरल साइड मतलब क्या डी uh, सी प्लस ए बी बरबर ये हमारे क्या है पैरल साइड है सॉरी ट्रेपेजियम के तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा आ, DC प्लस क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा ठीक है या AB प्लस डीसी भी लिख सकते हो नो इश्यू इन टू हाइट हाइट क्या होगा हमारा ये डीएम डीएम क्या होगा हमारा हाइट होगा या हम सी एन भी ले सकते हो नो प्रॉब्लम बट डीएम हमारा हाइट है फिलहाल के लिए ठीक तो है तो डीएम हमारा हाइट है चलो अभी सारे वैल्यूज को पुट करते हैं तो दैट इज इक्वल टू हाफ इन टू डी तो हमारे डीसी हमारे पास आ गया है सात तो यहाँ पे इसके नीचे सात लिखेंगे ठीक है यहाँ पे एक मिनट हाँ हाँ सात लिखेंगे ए बी हमारे पास ऑलरेडी कितना था ए से लगा के बी तक हमारे पास ट्वेंटी फाइव ऑलरेडी था तो ट्वेंटी फाइव और डीएम हमको बारह मिला था राइट क्या मिला था हमको बारह मिला था ना यहाँ पे देखो डीएम हमको बारह मिला है हाँ यहाँ पे ये यह देखो बारह तो यानी कि इसके नीचे आ जाएगा बारह ठीक है चलो अभी सॉल्व करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो ठीक है हाफ इंटू यहाँ पे देखो ये कट नहीं होगा डायरेक्टली कट नहीं होगा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है तो ट्वेंटी फाइव प्लस सेवन करेंगे तो हमको मिलेगा थर्टी टू ओके इंटू बारह अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बिंदास कट कर सकते हैं क्योंकि अभी बीच में मल्टीप्लाई साइन है ठीक है तो टू वन जा टू टू वन जा टू और यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्स टू एल्व ओके तो दैट इज इक्वल टू थर्टी टू इंटू सिक्स करेगा तो यहां पे लिख देते हैं थर्टी टू इंटू सिक्स तो दैट इज इक्वल टू सिक्स टू जा होगा टूएल्व सिक्स थ्री जा एटीन प्लस वन नाइनटीन यानी कि वन नाइनटी टू स्क्र यूनिट जो है ये क्या है हमारा एरिया है किसका ट्रेपिजियम का ठीक है तो दिस इज अवर आंसर क्या आंसर है वन नाइनटी टू तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा सा लेंदी है एंड बहुत कंफ्यूजिंग कर देता है ये वाला क्वेश्चन मतलब इसका सोल्यूशन बहुत बड़ा है देखो मैं अभी थोड़ा सा है ना जूम इन कर देती हूं तो आपको समझ में आ जाएगा देखो कितना बड़ा है देखो कितना बड़ा है ये पूरा इसका सल्यूशन है और कोई कोई लोग तो इसको स्किप भी कर देगा करने ही नहीं वाला है है ना लेकिन मेरा तो काम है आपको बताना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्लीज इसको दो तीन बार जरूर देखना ठीक है एक क्वेश्चन को अभी आगे के क्वेश्चन ऐसे ही है जिसको आपको कम से कम दो तीन बार तो देखना ही है तो इसको जरूर दो तीन बार देखना आपको पक्का समझ में आएगा ठीक है तो चलो अभी हम लोग करते हैं सिक्सटीन वन